वेलकम गाइस, बैंड यूट्यूब प्रयागराज में मैं आशीष मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, हम लोग M2R5 वेब डिजाइनिंग एंड पब्लिशिंग का पेपर हम लोग पढ़ रहे हैं, कवर कर रहे हैं, देख रहे हैं। और इस सीरीज में हम लोगों ने अभी HTML देखा, HTML देख रहे हैं, जिसमें हमने लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टैग कौन कौन से हैं। उसमें हमने कुछ टैग के बारे में बात की थी। आज हम उसके आगे कंटिन्यू करते हैं अपने लेक्चर को और टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के और टैग्स को देखते हैं। तो गाइस, चलिए हम लोग पहले फाइल को ओपन कर लेते हैं और उसके बाद हम लोग टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टैग की ओर बढ़ते हैं। तो गाइस, हम लोगों ने लास्ट वीडियो में जो टैग कवर किया था वो इंसर्ट, डेल और ये सब टैग हो चुके थे। अब इसके आगे हम लोग बात करते हैं कि इसके आगे टेक्स्ट फॉर्मेटिंग में कौन से टैग होते हैं। तो चलिए अगले टैग की ओर बढ़ते हैं। तो टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टैग में है ब्लॉक कट। ब्लॉक कट टैग क्या होता है? जब हम किसी कंटेंट को कोटेशन में रखें, कोटेशन बनाना चाहते हैं, कॉट में रखना चाहते हैं, सिंगल कॉट में, डबल कॉट में, तो उसके लिए हम लोग ब्लैक कॉट लगाते हैं। ठीक, ये आपका उसी तरह काम करता है जैसे साइट टैग हमने आपको बताया था कि उसने क्या कर दिया था कि कैरेक्टर को तिरछा कर दिया था। लास्ट वीडियो ने हम लोगों ने साइट टैग भी देखा है, जिन्होंने नहीं देखा है वो लास्ट वीडियो को देख लें। तो आपको इसको यूज़ कैसे करना है इस बारे में हम लोग आते हैं। तो सिंपल, आपको कुछ नहीं करना है, आपको ब्लॉक कट लिखना है और जो कंटेंट आपको रखने हैं उस कंटेंट को आप रख सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे लिखा है दिस इज़ एग्ज़ाम्पल। ठीक है, इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में प्रैक्टिकल पार्ट में मैं करके दिखाऊंगा। फिलहाल आप लोग ये समझिए कि इसको करते क्या। अब नेक्स्ट जो आता है वो है क्यू टैग। क्यू टैग जो है वो ब्लैक कॉट की सिमिलर होता है। जो काम उसका होता है वही काम इसका भी होता है। इसका भी सिंटैक्स हमने यहाँ पे लिख रखा है, क्यू टैग लगाइए और यहाँ पे देखिए दिस इज एग्जांपल दिया है मैंने और क्यू को क्या कर दिया है, क्लोज कर दिया है। ठीक गाइस, अब आते हैं अंडरलाइन टैग, यू टैग। ये क्या करता है, ये टेक्स्ट कंटेंट के नीचे एक अंडरलाइन खींच देता है। जैसे हम लोग बुक वगैरह में पेन से लगाते हैं, यहाँ पे पेन नहीं बल्कि वो अंडरलाइन टैग करता है, यू टैग करता है, जो कि आपके टेक्स्ट के नीचे क्या कर देगा, एक अंडरलाइन कर देगा। इसका भी सिंटैक्स हमने यहाँ पे दे रखा है कि आपको सिंपली यू टैग लगाना है और उसके बाद आपको कंटेंट लिखना है। जैसे हमने एक ही कंटेंट लिखा है दिस इज एग्जांपल और उसके बाद यू टैग को क्लोज कर दिया। नेक्स्ट टैग की ओर बढ़ते हैं। अगला टैग है एड्रेस टैग। गाइस, एड्रेस टैग क्या होता है कि ये किसी ऑथर के या किसी उसके डिटेल्स के बारे में, कॉन्टैक्ट डिटेल के बारे में हम यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। तो एड्रेस टैग में आप लोग क्या करेंगे कि आप किसी, आप वेबसाइट बना रहे हैं, आप अपना एड्रेस कॉन्टैक्ट डिटेल देना चाहते हैं तो आप किस में दोगे, एड्रेस टैग में दोगे। ठीक, अब अगला आता है डिफिनीशन टैग। गाइस, जब हम किसी वर्ड का या कोई डिफिनीशन देना चाहते हैं तो वो क्या होता है, हम लोग क्या करते हैं, उसको ब्लैक पेन या उससे लिखते हैं। ठीक, यहाँ पे आप तो मैनुअल कर नहीं सकते हो, तो उसके लिए आपको डिफिनीशन टैग लगाना होगा। और डिफिनीशन टैग का आपको यहाँ पे सिंटैक्स हमने लिख रखा है। ठीक, डिफिनीशन के लिए हम DFN लगाते हैं और दिस इज़ द एग्जांपल, ये मैंने कोई कंटेंट डाल रखा है और उसके बाद डिफिनीशन को क्लोज करते हैं। सारे सिंटैक्स हमने लिख रखे हैं, आपको ये कॉपी नहीं करना है कि दिस इज़ द एग्ज़ाम्पल, दिस इज़ द एग्ज़ाम्पल, ये हमने कॉपी पेस्ट किया हुआ है। आप लोगों को लिखना है, आपको अपने कंटेंट बनाने हैं,
और वो आप खुद से कर सकते हो। ठीक, अगले टैग की ओर बढ़ते हैं, सब स्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट। गाइज आप लोगों ने देखा होगा कि हम लोग H2O लिखते हैं, तो H के बाद 2 जो होता है वो नीचे होता है, फिर O बगल में होता है। अब हम अगर कर्सर के द्वारा टाइप कर रहे हैं तो H2O सिंपली लिखेंगे, हम करके इसको दिखाएंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा। तो H2O लिखता है लेकिन वो रॉन्ग रहता है, 2 नीचे होता है। तो अगर हमें किसी कंटेंट को उसके मार्क से थोड़ा नीचे लाना है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सब स्क्रिप्ट का इस्तेमाल करते हैं। ठीक, अब इसका सिंटैक्स क्या है, जिस कंटेंट को आपको नीचे लाना है उसके पहले आपको क्या लगाना है, सब लगाना है, और उसके बाद सब को क्या करना है, क्लोज करना है। नेक्स्ट टैग की ओर हम लोग बढ़ते हैं, अगला टैग है सुपर। सुपर टैग भी सब स्क्रिप्ट की तरह ही होता है लेकिन ये कंटेंट को नीचे नहीं बल्कि ऊपर करता है। इसका मतलब जैसे कि हम लोग एक्स स्क्वायर लिखना चाहते हैं तो 2 क्या होता है, ऊपर होता है। ठीक, अगर आप ए स्क्वायर लिख रहे हो, बी स्क्वायर लिख रहे हो, कुछ ऐसी चीज़ों को आप लिख रहे हो तो स्क्वायर तो ऊपर होता है 2, तो अगर हमें 2 को ऊपर रखना है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सुपर स्क्रिप्ट लगाते हैं। ये बिल्कुल सब की तरह ही क्या होता है, सिमिलर होता है। बस आपको करना क्या है, जिस कंटेंट को ऊपर करना है उसके पहले आप सुपर लगा दो और उस कंटेंट के बाद सुपर को क्या कर दो, क्लोज कर दो। अगला टैग है स्मॉल टैग। स्मॉल टैग क्या करता है गाइस, ये किसी टेक्स्ट की साइज को रिड्यूस करता है। ठीक, अगर हमें किसी टेक्स्ट की साइज को कम करना है दूसरे लिखे हुए उससे तो हम स्मॉल टैग का यूज़ करेंगे। अगला आता है बिग टैग। ये क्या करता है कि आपकी टेक्स्ट की साइज को इंक्रीज कर देता है। आपको सिंपल वही सिंटैक्स है कि पहले आप बिग लगाओ, फिर जो कंटेंट देना है उसको लिखो, अभी बिग को क्या कर दो, क्लोज कर दो। अब गाइज आता है टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टैग्स के, लगभग आपके ख़त्म है। वैसे तो बहुत सारे टैग दिए हैं, जैसे एब्रीविएशन है, ये है जिनको हम संक्षिप्त रूप कहते हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम में आता नहीं है और आप इसको पढ़ सकते हैं तो इंटरनेट पे भी सर्च कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं होता है। फिलहाल आपको अगर जानने की इच्छा होगी तो बहुत सारे टैग आपको दिए गए हैं, आप उनको पढ़ सकते। अब हम आते हैं डॉक्यूमेंट स्ट्रक्चर के टैग के बारे में। टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टैग के बाद जो टैग हम अब डिस्कस करेंगे वो टैग है कि उनको स्ट्रक्चर कैसे दिया जाए। ठीक, तो डॉक्यूमेंट के स्ट्रक्चर, अब जैसे मुझे किसी वेब पेज में अपने कंटेंट बनाना है, कंटेंट मतलब उसको हेडिंग बनाना है, तो हेडिंग बनाने के लिए हम लोग हेडिंग टैग का यूज़ करते हैं जो कि H1 से डिनोट होता है, H टैग से डिनोट होता है, और इसकी गाइज एक सीरीज होती है जो कि 1 से लेके 6 तक चलती है। इसलिए हमने यहाँ पे H1 डॉट डॉट करके या 6 लिखा हुआ है, तो कंफ्यूज मत होइएगा, आपको यही नहीं उतारना है। आप टैग के अंदर चाहे H1 लिखिए, चाहे H2 लिखिए, चाहे H3 लिखिए, सिर्फ एक ही लिख सकते हैं। ये नहीं कि आप H1, H2, H3 सब एक साथ ही डाल दो कि सर ने डॉट डॉट करके लिखा था तो H1 से लेके H6 से एक ही टैग में, उसके बाद कमेंट करो सर नहीं हो रहा है, ऐसा मत करना। आपको सिर्फ H1 लिखना है या H2 लिखना है या H3 लिखना है और उसको क्लोज करना है। तो इसके 6 डिफरेंट वेरिएशंस हैं जो हम हेडिंग को बना सकते हैं। H1 सबसे बड़ा होता है और H6 सबसे छोटा होता है। सिंटैक्स हमने यहाँ पे दे रखा है कि अगर आपको सबसे बड़ा लिखना है तो H1, अगर उससे छोटा लिखना है तो H2, इस तरह से आप लिखेंगे। H1 के बाद मैंने कंटेंट लिखा था। अब आते हैं कि डिवीज़न टैग, ड्यू टैग। गाइज पहले फ्रेम चलता था, अब वो बंद हो गया है,
उसकी जगह आपका डिवीजन टैग है। डिवीजन टैग क्या करता है कि डिवीजन टैग आपका कंटेंट को डिवाइड करता है ब्लॉक्स में, ठीक। अगर हम किसी कंटेंट को ड्यू के टैग में, तो उसके लिए वो ब्लॉक निश्चित हो जाता है, ठीक गाइस। स्पैन टैग क्या होता है कि ये टैग, जैसे हम किसी इमेज को या उसको एक इनलाइन करना चाहते हैं, ये एक इनलाइन एलिमेंट करता है, उसको एक एलिमेंट को इनलाइन कर देता है बिना उसको चेंज किए हुए, ठीक गाइज। हम इसको आपको एग्जांपल में करके दिखाएंगे और उसके बाद आप समझ लेंगे। तो ये टैग क्या करता है, इंजेक्ट इनलाइन एलिमेंट, उसके इनलाइन, जैसे इमेज लगाना है, कोई आइकन लगाना है, ठीक है। अगर आपको ऐसे कुछ स्टाइलिंग देनी है अपने पेज को, तो हम स्पैन टैग लगाते हैं, यूज करते हैं। अब आता है पैराग्राफ टैग। पैराग्राफ टैग क्या होता है गाइस, ये इसमें किसी पैराग्राफ को हम इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक। किसी टेक्स्ट को एज अ पैराग्राफ हमें अगर इंसर्ट करना है, तो हम क्या करते हैं, पी टैग का यूज करते हैं, ठीक। और इसको हम राइट लेफ्ट सेंटर बहुत सारे कर सकते हैं। इसके बाद हम जो वीडियो बनाएंगे उसमें एट्रीब्यूट देखेंगे, तो सबके एट्रीब्यूट्स देखेंगे। अगला जो होता है बीआर टैग। बीआर टैग क्या होता है गाइस, ये टैग आपके लाइंस को ब्रेक करता है, ठीक। आप भी जो वेब पेजेस में, आपको याद होगा कि हमने लास्ट वीडियो में आपको जब करके दिखाया था प्रैक्टिकल, तो उसमें जितना भी कंटेंट आपका लिखा गया था, जो आपको सो रहा है हाय आई एम आशीष मिश्रा, फिर हमने सेकेंड लाइन में लिखा था आई एम टीचिंग इन बाइंडी, लेकिन वो सबका सब एक साथ ही चला रहा, ठीक है। तो अगर हमको इसको लाइन को ब्रेक करना है, तो हम क्या यूज़ करेंगे, बी आर टैग यूज करेंगे। और बी आर टैग क्या करता है, लाइन को ब्रेक कर देता है गाइस। जब इस समय जो वेबसाइट बन रही हैं, उसमें बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं किया, चूँकि CSS के थ्रू ही उसको कंटेंट को मैनेज किया जा रहा है, ठीक। तो चलते हैं आगे, हम लोग बढ़ते हैं HR टैग। HR टैग क्या होता है, HR टैग जो है आपका, वो एक हॉरिजॉन्टल लाइन क्रिएट करता है। क्या करता है, हॉरिजॉन्टल लाइन को क्रिएट करता है। ये जैसे BR क्या करता है, लाइन को ब्रेक करता है, और हॉरिजॉन्टल टैग जो होता है, HR टैग जो होता है, वो एक लाइन को क्रिएट कर देता है और वो डिवाइड हो जाता है, ठीक। अगला प्री टैग। अब प्री टैग क्या होता है गाइस, प्री टैग आपका एक प्री डिफाइंड प्री फॉर्मेटेड टेक्स्ट होता है। कहने का मतलब, जैसे ही आप टेक्स्ट को तोड़कर लिखोगे, चाहे जैसे लिखोगे, नीचे ऊपर अगल बगल दाएं जितना स्पेस, वो उसी के फॉर्मेट में उसको क्या कर देता है, एचटी ब्राउजर पे दिखा देता है, ठीक। अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है, तो ऐसे समझिए, जब हम लोग कविता लिखते हैं, पोयम लिखते हैं, तो चार लाइन इधर रहती है, फिर चार लाइन थोड़ा सा उससे हट के रहती है, फिर चार लाइन इधर रहती है, फिर इस तरह से लिखा जाता है। अगर आपको एक प्री फॉर्मेटेड टेक्स्ट देना है, तो आपको क्या यूज़ करना है, प्री टैग यूज़ करना है। सिंटैक्स आपके सामने है, आपको क्या करना है, प्री टैग लगाना है, और जो आपको लिखना है उसको लिखिए, फिर आपको प्री टैग को क्या करना है, क्लोज करना है। गाइस एक चीज़ मैं बताना भूल गया, BR टैग और HR टैग, मैंने पहले ही वीडियो में HTML के आपको बताया था कि ये दोनों सिंगल टैग हैं, सिंगुलर टैग हैं, जो कि सेल्फ क्लोजिंग होते हैं। हमने वहाँ BR टैग लगाया, इसके बाद एक स्लैश लगाया है, बैकवर्ड स्लैश, इसका मतलब है कि ये सेल्फ क्लोजिंग टैग है,
ये ओपन या इसको क्लोज करने की ज़रूरत नहीं होती है, सिंपली BR लिख सकते हैं। इसी तरह HR टैग होता है, ठीक गाइस। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि BR को आपको ओपन करके क्लोज नहीं करना है, आपको सीधे सीधे कंटेंट के लास्ट में BR लगा देना है जहाँ से लाइन को ब्रेक करना है। HR जहाँ आपको हॉरिजॉन्टल लाइन चाहिए वहाँ HR लगा सकते हैं आप। चलिए गाइस, अगला जो टैग है वो है फॉन्ट टैग। अगर हमें किसी कंटेंट के फॉन्ट नेम को चेंज करना है, फॉन्ट के कलर को चेंज करना है, साइज को चेंज करना है, तो फॉन्ट टैग का इस्तेमाल हम करते हैं। लेकिन गाइस HTML5 में फॉन्ट टैग सपोर्ट नहीं करता है। जो फॉर्मेटिंग हम करते हैं वो CSS के थ्रू कर लिया जाता है। फिलहाल जो फॉन्ट टैग का यूज़ हो रहा है वो फॉन्ट टैग हम लोग यूज़ कर सकते हैं किसी टेक्स्ट के फॉर्मेट को चेंज करने के लिए। बस आपको सिंपली क्या लगाना है, फॉन्ट लिखना है और उसके बाद आपको क्या लिखना है, कंटेंट लिखना है, फॉन्ट को क्लोज करना है। गाइज इसके एट्रीब्यूट होते हैं, अभी हम लोग आगे बात करेंगे एट्रीब्यूट्स के और वो क्या होते हैं, ठीक गाइज। तो आज के लिए हम लोग इतना रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसको प्रैक्टिकल करके देखेंगे जिससे कि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट एट्रीब्यूट को देखेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग बाइनरी ट्यूब प्रयागराज। आप हमको विजिट कर सकते हैं हमारे इस URL पे www.binarytube.in। जो हमारे YouTube व्यूअर्स हैं और जो हमारे वीडियोस को देखना चाहते हैं वो आपको बाइनरी ट्यूब प्रयागराज YouTube पे डालिए, आपको हमारे वीडियोस मिलेंगे। आप वीडियोस को देखिए, लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे हमारे नेक्स्ट वीडियो के लिए। अगर आपको हमारे ऐप के थ्रू वीडियो को देखना है या अपनी क्लास को कंटिन्यू करना है तो गूगल प्ले स्टोर पे आपको बाइनरी ट्यूब प्रयागराज डाल के हमारे ऐप को डाउनलोड कर लेना है। गाइज वहाँ पे सिलसिलेवार हर क्रम में आपको वीडियो मिलेंगे 1x1, जहाँ पे आपको आप वीडियो को देख सकते हैं और अपनी क्लास को कंटिन्यू कर सकते। तो थैंक यू गाइज़।